और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिहार के सुपौल में एक युवक ने कन्हैया कुमार पर मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़ित युवक ने कन्हैया पर मोबाइल छीनने का भी आरोप लगाया है। पीड़ित ने सदर थाने पहुंचकर कन्हैया कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इससे पहले बुधवार को सुपौल में जनसभा को संबोधित करने के बाद सहरसा जा रहे कन्हैया कुमार के काफिले पर वहां के मल्लिक चौक के पास कुछ लोगों ने पत्थरों से हमला किया था। इस हमले में काफिले की एक गाड़ी के ड्राइवर का सिर फट गया, जबकि कन्हैया कुमार मामूली रूप से घायल हो गए थे। इसके बाद कन्हैया कुमार ने ट्वीट कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने हिंदू होने और संघी होने के फर्क को भी समझाया है। कन्हैया कुमार ने आरएसएस पर धर्म को धंधा की तरह प्रयोग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा है कि हिंदू होने और संघी होने में क्या फर्क है। हिंदुओं के लिए धर्म आस्था है और संघियों के लिए धंधा। आपको बता दें कि कन्हैया कुमार इन दिनों बिहार में CAA, NRC और NPR के खिलाफ जनगणमन यात्रा पर है। एक महीने तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान वो बिहार के करीब सभी प्रमुख शहरों में पहुंचेंगे और करीब 50 सभाएं करेंगे। कन्हैया ने इस यात्रा की शुरुआत 30 जनवरी को बेतिया से की थी और उनकी यात्रा के दौरान उन पर अब तक 2 बार हमले हो चुके हैं। न्यूज़ डेस्क।